मिल्क नहीं पीता है, ब्रेस्ट फीड नहीं करता है और आपको भी मिल्क सप्लाई बहुत कम है, तो आप इसका एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक और हेल्पफुल वीडियो लेके आई हूँ जो आपके बेहद काम आने वाला है। अगर आप भी न्यू मॉम बनी है तो वही चीज़ आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अगर आपको भी ब्रेस्ट मिल्क की जो सप्लाई कम आती है तो कैसे आप उसको बढ़ा सकती हैं, उसका चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपका बेबी दूध नहीं पीता है, मतलब ब्रेस्ट मिल्क नहीं सक कर पाता है, ठीक से प्रॉपरली नहीं कर पाता है, तो आप उसे ब्रेस्ट मिल्क ही देना चाहती हैं, तो आप वो कैसे कर सकती हैं, तो आज मैं उस वीडियो में आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके साथ ऐसे बहुत सारे वीडियोज़, हेल्पफुल वीडियोज़, रिव्यूज़, होम टिप्स वगैरह लेके आती रहती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज। तो दोस्तों, कुछ मतलब लेडीज़ हैं जो अभी अभी न्यू मॉम बनी हुई हैं, तो क्या होता है 3 मंथ्स तक तो अच्छे से ब्रेस्ट फीड वो बेबीज़ को करा लेती हैं, उसके बाद उनको ब्रेस्ट फीड कराने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इश्यूज होते हैं, तो वो इनसे कैसे छुटकारा पा सकती हैं वही चीज़ मैं आज आपके साथ बताऊंगी। जैसे बेबी क्या होता है, कभी कभी बेबी दूध उसका मन होता है तो वो पी लेता है, कभी कभी मन नहीं होता है तो वो नहीं पीता है, ऐसे करके बेबी जो मिल्क की सप्लाई है वो कम हो जाती है, क्योंकि बेबी कुछ 4 मंथ का या 5th मंथ का जैसे होता है वैसे थोड़ा बहुत खाने लगता है तो उससे भी बेबी दूध नहीं पी पाता है प्रॉपर तरीके से। तो वही चीज़ इससे ब्रेस्ट मिल्क की जो सप्लाई है वो कम हो जाती है, और वैसे भी 3 मंथ्स के बाद सप्लाई दूध की कम हो जाती है, तो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, तो वही चीज़ मैं आपको बताऊंगी। मैंने क्या किया था, तो मैंने अपना मैं पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं भी अभी न्यू मॉम बनी हूँ, मेरा बेबी भी 4 मंथ प्लस है, 5th मंथ का वो होने वाला है, तो वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने फ्लिपकार्ट से अपने लिए जो मैनुअल पंप होता है, ब्रेस्ट मैनुअल पंप जो होता है, वो मैंने मंगाया था। मैंने इसके बारे में बहुत सुना था कि मतलब 3 मंथ के बाद मेरी भी सप्लाई कम हो गई थी मिल्क की, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मंगाया जाए और इसका यूज़ किया जाए। तो वही चीज़ मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ कि ये मतलब अच्छा है या नहीं, उस चीज़ के बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। तो मैंने ये फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया, देखिए आप फ्लिपकार्ट का लोगो भी है, तो मैंने ये ऑर्डर किया था, तो वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आज इसे अपने ओपन करूँगी और मैं ये भी बताऊँगी आपको कि ये कैसा है, अच्छा है या नहीं है, ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए और इसको कैसे यूज़ करते हैं, तो वही चीज़ मैं आपको पूरा डिटेल में। तो देखिए गाइस, ये मैंने ओपन कर लिया है, तो मैं आज इसको ओपन करके आपको दिखा रही हूँ। ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है, इस तरह की पैकेजिंग में। इसके साथ आपको एक कार्ड भी मिलेगा 1 ईयर की वारंटी के साथ, ठीक है। तो मैं इसे आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। इसमें आपको एक बॉटल मिलेगी और ये मिलेगा आपको पंप, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सेट कर लूं, देखिए गाइस, तो मैंने इसको कर लिया है सेट ऐसे करके। तो अब मैं ये आता है और ये आता है, तो इसको कैसे करके करना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सिर्फ 2 चीज़ें आएंगी, तो इसको आप ओपन करेंगे, इसको बॉटल को आप इसमें, इसको इसके अंदर ये एक चीज़ लगी हुई, इसको ये, ठीक है। तो अगर आप जब भी आप उसका यूज़ करें तो आप इसको निकाल लें। अब मैंने इसको इसमें फिट कर दिया ऐसे करके, ये ओपन हो रहा है। अब इसे चलाना कैसे है वो चीज़ मैं आज आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने बैलून ले लिया है, तो जैसे कि ये जो पंप है इसको आप, जैसे आप ब्रेस्ट है जो आपकी, आप इसमें इसको ऐसे करके लगा लीजिए,
ऐसे करके आप इसको करेंगी, ऐसे करके, ठीक है, ब्रीज में आप ऐसे करके इसको लगाइए। सपोज दैट ऐसे ऐसे हो गया, आपने इसको ऐसे लगाया, ऐसे 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 करके जब आप करेंगे, ऐसे ऐसे करके, तब आपको इसमें मिल्क आता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये किन लेडीज़ के लिए है वो चीज़ मैं अभी आपको मैं बता दे रही हूँ, ये किसके लिए है, किसके लिए बिल्कुल भी नहीं है, और फालतू में पैसे वेस्ट नहीं करने हैं, वो चीज़ मैं आज आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने ये परचेस किया, तो वो मैं आपको इसकी पूरी डिटेल में जानकारी दूंगी, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो मैं नहीं चाहती कि आपके पैसे वेस्ट हों और आपके साथ भी वो धोखाधड़ी हो जाए, तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो गाइस ये अच्छा है, ऐसी बात नहीं है ये अच्छा नहीं है, जिन लेडीज़ की ज़्यादा मिल्क सप्लाई होती है, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा हो रही है, बेबी नहीं पी रहा है और ज़्यादा हो मतलब पेन होने लगता है ना, तब ये आप इससे यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, तब ये मिल्क की बॉटल आपकी पूरी फिल हो जाएगी, पूरी फुल हो जाएगी, आपका बेबी आराम से पी सकता है, आप इसको ओपन करके आप इसको बेबी को अच्छे से पिला सकते हैं, जब बेबी सो रहा हो तब आप इसको यूज़ करिए, मिल्क लीजिए और उसको आराम से पिला दीजिए। अगर आपके मिल्क बहुत कम आता है और आप सोच रहे हैं कि ये मैनुअल पंप आप मंगा लें और आप उसका यूज़ करके कर लें, बहुत कम आ रहा है, स्टार्टिंग से बहुत कम आ रहा है, अगर तो आप इसको बिल्कुल भी मत मंगाइए, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर आपके ब्रीस्ट मिल्क बहुत ज़्यादा आ रहा है और अच्छा भी है तो आप इसका यूज़, अगर आपका बेबी कंटिन्यू ब्रीस्ट फीड करता है तो आप इसको मंगा सकते हैं, समझ रहे हैं ना, अगर आपका बेबी कंटिन्यू ब्रीस्ट फीड करता है, जैसे 3 मंथ्स के बाद सप्लाई मिल्क की जो है वो कम हो जाती है, तो आप इसका यूज़ करिए, तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि बेबी भी पी रहा है और इससे भी अगर आप निकालते हैं तो काम चल जाएगा, निकल आएगा, अच्छा भी है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपकी स्टार्टिंग से ब्रीस्ट मिल्क कम बन रहा है, कम आ रहा है, तो आप इसको बिल्कुल मत मंगाइए, बिल्कुल कारगर नहीं है, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है इसका मंगाने का, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। मैंने ये रिव्यू दिया था इसका, ये आपका पूरा 400 रुपये का पड़ेगा, 399 का, तो 400 रुपये फालतू नहीं करने हैं, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करने हैं, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेटिव बिल्कुल सही सही आपको बता रही हूँ। अगर आपको ब्रीस्ट मिल्क आता है और आपका कम हो गया है और बेबी फीड कर रहा है, ठीक है, बेबी फीड कंटिन्यू कर रहा है लेकिन कम आ रहा है और बेबी का पेट नहीं भर पा रहा है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर स्टार्टिंग से ही आपको मिल्क कम आ रहा है तो आप इसका यूज़ मत करिए, तो आप जो घरेलू चीज़ें होती हैं, किचन की चीज़ें जो होती हैं, वो आप खा के अपना मिल्क सप्लाई बढ़ा सकते हैं, वो बेस्ट होती हैं, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, इससे तभी ये फ़ायदा करेगा जब आप बेबी आपका ब्रीस्ट फीड कर रहा है तो आप इसका यूज़ कर सकती हैं। यदि ब्रीस्ट अगर बेबी आपका मिल्क नहीं पीता है, ब्रीस्ट फीड नहीं करता है और आपको भी मिल्क सप्लाई बहुत कम है, तो आप इसका यूज़ बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये बहुत बेकार है, इस चीज़ में बिल्कुल कारगर नहीं है, मैं आपको खुला बता रही हूँ, बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकता। आप सोचें कि मिल्क कम आ रहा है, बेबी पी नहीं रहा है, तो मैं इसको लगा के इससे मिल्क सप्लाई बढ़ा लूँ, तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाली। अगर आपका बेबी कंटिन्यू साथ में पी रहा है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, तो ये कारगर रहेगा, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये हेल्पफुल वीडियो थोड़ा सा भी लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को हिट भी कर देना। मैं ऐसे हेल्पफुल वीडियोज़ आपके साथ लेके आती रहती हूँ, तो मिलती हूँ ऐसे ही एक हेल्पफुल वीडियो के साथ। अगर आपको किसी भी चीज़ का रिव्यू चाहिए हो तो आप बेझिझक होकर मुझसे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो वो भी पूछ सकते हैं। तो मिलती हूँ ऐसे ही एक हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड